जी बिल्कुल, पहला दिन था और जिस तरह उसके साथ बॉलिंग किया काफ़ी इन्जॉय भी किया, उससे सीखा भी काफ़ी कुछ, क्योंकि कंडीशन चेंज हुआ है एकदम से साउथ अफ्रीका खेल के आए तो। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अज़र भाई ने और नसीम भाई ने, नसीम भाई के साथ जिस तरह मैंने बॉलिंग की तो कंडीशन के बारे में और जो T20 बॉलिंग होता है तो उसके बारे में उसने बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। सॉरी सुन, बेस्ट टीम जो वर्ल्ड कप में थी उसमें आप शामिल हुए हो, भारत पाकिस्तानी हो और अभी आप PSL के लिए, कितना फ़ायदा होगा उस परफॉर्मेंस का आपको, उस कॉन्फिडेंस मिलने का? जी बिल्कुल, जिस तरह के सीरीज़ हुआ हमारा पहला जो अंडर 19 में मैं सेलेक्ट हुआ, पहले सीरीज़ में भी बेस्ट बॉलर रहा और एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, तो उसमें जिस तरह परफॉर्मेंस हुई और अभी सीनियर टीम के साथ खेल रहे हो शताब खान की कैप्टनशिप है तो सैम्पल्स आया, बस जिस तरह क्रिकेट है इतना मुश्किल क्रिकेट नहीं है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस्लामाबाद के लिए जितना अच्छा कर सकूँ 100% दे दूँ और यही सैम्पल जो करना होता है। वैद भाई, आप नसीम शाह जो है वो स्विंग बॉलर हैं और ज़्यादातर लोग यही जानते हो, बैट्समैन भी जो खेलते हैं नया बॉल करते हैं तो आउट स्विंग अच्छा करते हैं, इन स्विंग भी अच्छा करते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, डेथ बॉलर बनना या नया बॉल करते हो? देखिए ख्वाहिश तो मेरा यही है कि बस जहाँ पे टीम को ज़रूरत हो चाहे नया बॉल हो या पुराना बॉल हो तो मैंने अपना 100% देना है और बाकी अल्लाह के हाथ में। उबैद, अभी आपके मुसलसल आपकी फॉर्म अच्छी चल रही है लेकिन सीनियर क्रिकेटर्स के साथ आप अपना कैंप आपने ज्वाइन किया है तो कितना कोई प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि एक तरफ से नसीम शाह भी आपके साथ खेलेंगे, एक तरफ से आप खेलेंगे तो कोई प्रेशर आप महसूस करेंगे इस वाले से? नहीं, प्रेशर तो इतना नहीं है, कोचेज़ बताते हैं, नसीम भाई ने भी आज बताया कि अपना इन्जॉय करना है, इन्जॉय करके क्रिकेट खेलना है, जिस तरह अंडर 19 खेल के आए हो तो उसी तरह क्रिकेट खेलना है और सिंपल क्रिकेट है, कुछ भी इस तरह मुश्किल नहीं है, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इन्जॉय करके खेलो। वैद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब कैप्टन है, कितना हेल्पिंग हैंड आपको वो प्रोवाइड करती हैं एज ए कैप्टन? जी बिल्कुल, देखे आज जिस तरह माहौल, मैंने कल से ज्वाइन किया कैंप को तो जिस तरह माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रेशर कोई भी इस तरह नहीं है, फ्रेंडली माहौल है, सारे चिल करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे और PSL का स्टार्ट भी इसी तरह करेंगे और फिनिश भी इंशाल्लाह फाइनल भी। मोबाइल, इस PSL में किस खिलाड़ी को आउट करने की आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं? देखे बिल्कुल सारे अच्छे प्लेयर है PSL में, जो कि इतना बड़ा लीग है तो कोशिश यही करूँगा अपने अच्छी बॉलिंग पे, अच्छी एरिया पे बॉल करूँ और चाहे जो भी बैट्समैन हो, अच्छा हो बुरा हो, तो बुरे तो नहीं होते, सारे अच्छे होते क्योंकि इस लीग, इतने बड़े लीग में खेलते, तो कोशिश करूँगा अच्छी जगह पे बॉल करूँ और 100% दे दूँ। भाई, आप बाबर आजम को आउट करना चाहेंगे क्योंकि वो इस वक्त वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है? क्यों नहीं, बाबर आजम को आउट करेंगे, क्यों नहीं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा कि आज शादी करते थे मैं और नसीम भाई ने जिस तरह बॉलिंग किया नया बॉल से, तो इंशाल्लाह एंजॉय तो करते हैं और इसी तरह टूर्नामेंट भी करते रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के पास पहले काफ़ी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हारिस है, शहीद है, अब तीनों भाई भी हैं, तो कहीं लगता है कि टफ होगा पाकिस्तान टीम में आना स्ट्रेंथ से चल रही है? देखिए हम अपना कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, तो जब भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा टीम को रिप्रेजेंट करने में तो इंशाल्लाह तैयार है, अगर अच्छे हो जाए और भी जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे परफॉर्मेंस तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इससे और भी अच्छा करूं, तो इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर। जी ज़ाहिर बात है ख्वाहिश तो है। आपका कोई फेवरेट बॉलर? फेवरेट अपना भाई है, उसी को देखता हूँ और जिस तरह वो नया बॉल से स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं, तो ज़्यादातर अपने भाई से सीखता हूँ और उसी को देखता हूँ। रिसेंटली शादाब खान ने बोला है कि तीनों भाइयों में से बैद उनके फेवरेट हैं, शादाब ने बोला है, तो अभी आप बॉलिंग भी कर रहे थे शादाब को, तो वो क्या डिस्कशन चल रही थी, थोड़ा शेयर करेंगे? डिस्कसिंग तो इस तरह कुछ नहीं थी, बस सिंपल सा जिस तरह अज़र भाई ने बताया कि ये नहीं समझना कि कैप्टन है, मतलब
कैप्टन है, लेकिन ये क्रिकेट में ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आपने अपनी बॉलिंग करनी है। और उसको शायद बॉल भी लगा था, लेकिन अज़र भाई ने कहा कि नहीं, मैच में भी इसी तरह लगता रहता है तो आपने अपनी बॉलिंग करनी है। तो यही डिस्कशन हो रही थी। अच्छा, वैद कोई माइलस्टोन सेट किया है कि हाईएस्ट विकेट टेकर बनना है, इतनी विकेट लेनी है, ये कोई माइलस्टोन किस सीज़न के लिए? जी क्यों नहीं, हर प्लेयर का ख्वाहिश होता है कि वो एक टूर्नामेंट को टॉप करे और अच्छा बॉलर बने और अच्छी इकॉनमी से बॉलिंग करे। तो इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि अच्छी बॉलिंग करूंगा और टॉप करूंगा। थैंक यू। मैं खुद को आप कैसे देखते हैं, टेस्ट बॉलर ज़्यादातर टी ट्वेंटी बॉलर की ख्वाहिश है? पाकिस्तान की तरफ से जहाँ पे भी मौका मिल जाए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, टी ट्वेंटी हो, तो मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। और ये नहीं है कि मैंने सिर्फ टी ट्वेंटी खेलना है, वनडे खेलना है, पाकिस्तान किसी भी जो कहेगा उसी पे तैयार रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।